2024 को शास्त्री नगर में जो मिजाम थाना अंतर्गत पड़ता है उसमें श्री नंदलाल यादव जो कानवई के रहने वाले हैं उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा। उस संबंध में एक कांड दर्ज किया गया था। उस कांड के अनुसंधान और उद्भेदन करने के लिए एक SIT का गठन किया गया था SDPO जमताड़ा के नेतृत्व में और अन्य पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में। इन्होंने इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए इसमें दिलीप शर्मा पिता सुरेश मिस्त्री ग्राम कानगोई को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में ये अपना अपराध कबूल किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर अभियुक्त की जो कांड में प्रयुक्त किया गया हथियार था वो जो पिस्टल थी वो भी बरामद कर ली गई है। और जो घटनास्थल पर हम लोग को जो गोली के खोखे मिले थे उसको और हम लोग पिस्टल को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में मिलान करने के लिए भी विधिवत भेज रहे हैं। और जो हथियार था वो भी हम लोग के द्वारा बरामद कर लिया। साथ ही SIT टीम के जो अन्य पदाधिकारी हैं जिसमें कि साइबर थाना प्रभारी सर्किल इंस्पेक्टर नगर राजीव रंजन गुलशन कुमार सिंह संतोष सिंह सुशील झा और एडिशनल SP जामताड़ा जो है उन सभी को हम लोग इसके लिए पुरस्कृत करने की अनुशंसा करते हैं। मामला क्या था इसमें अभी तक प्रथम दृष्टया यही बात सामने आई है कि जो अभियुक्त था उसका मृतक से 4 दिन पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हो गया था। मृतक के घर वालों का कहना है कि ये शराब का सेवन वहाँ करते थे जहाँ पे मृतक की खटाल थी उसके पास में, तथा लड़के लड़कियों का भी इसके यहाँ आना जाना था, तथा शराब पीकर ये जो मृतक की बच्ची और उसकी पत्नी है आना जाना है उसको भी बुरी दृष्टि से देखा करते थे, कमेंट करते थे। उसी बात पे मृतक ने जो अभियुक्त थे उसके भाई को 4 दिन पहले धमकी भी दिया था और डांटा भी था कि अगर नहीं सुधरोगे तो हम लोग उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसी बात को लेकर अभियुक्त के मन में बहुत द्वेष की भावना आ गई थी। इसी क्रम में उसने ये प्लानिंग किया और नशा किया, गांजा वगैरह का भी लगातार ये सेवन करता है, शराब का सेवन करता है। उसी क्रम में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था और जो उस मैच के दौरान इसको मौका मिला कि मृतक खटाल में अकेला सोया हुआ है और इसने प्री प्लान के तहत हथियार ले जाकर पटाखों और शोर की आवाज़ में गोली मारकर हत्या कर दी और वापस आकर अपने घर पे सो गया। और उसी क्रम में फिर इस कांड का हम लोगों ने उद्भेदन किया है। इसके साथ और भी लोग हैं। अभी प्रथम दृष्टया यही बात पता चली है कि इसके द्वारा अकेले ये घटना को कारित किया गया, परंतु अभी अनुसंधान अन्य बिंदुओं पर जारी है। जो हथियार भी अगर हम लोग फॉरेंसिक साइंस में लैब पे जांच करा रहे हैं कि एक हथियार यूज हुआ है कि दो हथियार, तो अन्य कतिपय बिंदुओं पर जांच करने के बाद भी आगे इसमें और अभी अनुसंधान चलेगा।